हेलो एवरीवन। तो यार नीट 2021 हमारा आप सभी को पता चल ही गया होगा कि नीट 2021 की जो पोस्टपोनमेंट की बात थी उसको यार सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो इसके बाद क्या चीज़ें होने वाली हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इस चीज़ को खारिज किया है, यानी कि इस चीज़ को क्यों रिफ्यूज़ कर दिया इन लोगों ने, और ये सारे जो रीजंस थे मैंने आप सभी को लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था, लेकिन जो पूरा सम अप मैं कर देना चाहूँगा और अभी इसके आगे क्या चीज़ें हो सकती हैं वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी जाकर के सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे नीट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होगी वो सबसे पहले इस चैनल पे आप सभी को मिलेंगी। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि सबसे पहले हुआ क्या था आज के कोर्ट में। तो सबसे पहली चीज हुई थी यार कि आलम सर हमारी तरफ से नीट की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है, यानी केस लड़ रहे थे आलम सर हमारी तरफ से। उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे 3 पॉइंट्स रखे थे जो कि आप भी सुनोगे तो आपको भी लगेगा हाँ ये जेन्युइन पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट यार कि फोर्थ अटेम्प्ट जो है, जब जेईई मेंस का फोर्थ अटेम्प्ट को पोस्टपोन करा जा सकता है तो नीट को क्यों नहीं करा जा सकता, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था यार उनका कि नीट का जो है अभी जस्ट पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया गया है। पहले 180 क्वेश्चन थे तो अब 200 क्वेश्चन होंगे, उसमें चॉइसेस मिलेंगी, ठीक है, पैटर्न चेंज हुआ है, यानी कि पैटर्न चेंज हुआ है तो बच्चों को कुछ एनालिसिस का टाइम मिले, ठीक है। आलम सर ने कहा कि बच्चों को थोड़ा सा एनालिसिस का टाइम तो मिले, उस चीज को कैसे करना है, टैकल करना है, तो उसके लिए टाइम दिया जाए। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बहुत ही अच्छा रखा कि जब तुम यार जेईई के फोर्थ अटेम्प्ट को 1 महीना पोस्टपोन कर सकते हो, हम तो फिर भी 10 ही दिन की मांग कर रहे हैं, लेकिन यार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो बेंच है उन्होंने 2-3 चीज़ें बात कही, उन्होंने भी अपनी तरफ से वो कह रहे हैं कि यार 16 लाख बच्चों का सवाल है और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से बच्चों के अंदर स्ट्रेस आए, स्ट्रेन आए, पेन आए, ये कुछ भी हम अपनी तरफ से नहीं चाहते हैं, ठीक है। कोर्ट को इस प्लेटफॉर्म को आप लोग इस तरीके से यूज़ ना करें, इसको रिशेड्यूल कराने में, इसको इस चीज़ों को कराने में ना यूज करें। उन्होंने ये भी कहा कि यार 16 लाख बच्चों में बहुत सारे बच्चों का यार सभी का मतलब सीट तो उन सभी को सेंटर अलॉट हो चुके हैं, तो बहुत सारे बच्चे अपने जो सेंटर है वहां पे पहुंच भी चुके होंगे, वो ट्रैवल उनका बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन आलम सर के इस पॉइंट की वजह से कि जब जेईई मेंस का फोर्थ अटेम्प्ट एनटीए हमारा पोस्टपोन कर सकता है तो नीट क्यों नहीं कर सकता, तो इस पॉइंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ये डिसीजन बहुत ही अच्छा दिया है। उन्होंने कहा है कि यार जो अथॉरिटी है यानी कि हमारा जो एनटीए है वो अगर अपनी तरफ से चाह रहा है कि इस चीज को पोस्टपोन करना तो हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो एनटीए पोस्टपोन करेगा तो हमें कोई इशू नहीं है, वो कर सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से नहीं करना चाहेंगे जिससे बच्चों के अंदर स्ट्रेस और पेन ना बने, ठीक है। तो अब हमारे पास फाइनल चीज क्या आ गई है, फाइनल चीज ये आई है कि अब एनटीए के पास ये चीज जाएगी, यानी कि जो भी हमारे जिन्होंने भी पिटीशन दायर की थी, जो पिटीशनर्स थे उन सभी को बोला गया है कि यार आप एक पूरा अच्छा से रिप्रेजेंटेशन बनाइए, आप अपने उसके अंदर पॉइंट्स रखिए और इस पॉइंटों को लेकर के जाइए आप एनटीए के पास, और जब एनटीए के पास जाएंगे तो एनटीए अगर वो अपने शेड्यूल को चेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें आकर के कुछ नहीं कहने वाला, यानी कि हम अपनी तरफ से क्या चीजें कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भाई इसका ट्वीट करो, ठीक है, उसमें एनटीए को टैग करो और एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करो, क्योंकि तुम्हें पता है एनटीए चलता है एजुकेशन मिनिस्टर से, तो अगर उन्होंने कुछ भी ट्वीट डाल दिया एक बार को कि शेड्यूल कर दो, भाई तुम्हारा काम हो जाने वाला है। लेकिन मैं लास्ट ऑफ पॉइंट पर यह कह देना चाहूंगा कि आप सभी का यार अब जाकर के पोस्टपोनमेंट नहीं होने वाला, पोस्टपोन नहीं होने वाला, बिल्कुल ही ना के बराबर चांसेस या नहीं है चांसेस, ठीक है। तो आप अपनी जो पढ़ाई है आप सभी उसको मत ऐसा करो, प्रॉब्लम में मत डालो, आप ये सोच के चलो कि 12 सितंबर को एग्जाम है, आपके एडमिट कार्ड भी 8 या 9 तारीख को आ जाएंगे, सो डोंट वरी, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर गलती से कुछ होता है पोस्टपोनमेंट की बात तो सबसे पहले इस चैनल पे आ जाएगा। सो बस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।